आज कर रहे हैं हम अपने किचन की सफाई। और ये जो डब्बे हैं ना, इनको मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़े साफ किया है। इसको अभी मुझे गर्म पानी करके सब रगड़ रगड़ साफ करना है। ये तो डिब्बा बहुत पुराना हो गया है, मुझे लगता है इसको फेंकना ही पड़ेगा। और इन सबको मुझे धुलना है, सारा गर्म पानी करके सब अभी धुलेंगे। निरमा डाल के गुनगुने पानी में सब रगड़ रगड़ कर साफ करेंगे। और इतना सारा मैंने निकाला है फेंकने के लिए, और इसमें कई सारे कप हैं। बस थोड़ा थोड़ा इसे, थोड़ा थोड़ा जैसे ये छिटक गया है ना, ऐसे ही सब कई प्रकार के, कई रंग के कप थे, सब थोड़े थोड़े से छिटके हैं। तो इन सबको मैं सोच रही हूँ रखने से क्या फ़ायदा, इनको फेंक ही दूँ। ये तो ज़्यादा छिटका नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता मुझे, इसीलिए मैं इसको फेंक रही हूँ। तो इतना फेंकेंगे, ये साफ़ करेंगे, ये साफ़ करेंगे, और कुछ ऊपर भी सब रखे हैं, इनको भी साफ़ करना है। वो तीनों अलमारी मुझे रैक साफ़ करना है। और देखो कब तक कितनी देर लगती है। और यहाँ पे सब्जी भी सब रखना है फ्रिज में। ये सिंघाड़ा है, इसमें भिंडी है, शिमला मिर्च और लहसुन है, और बीन्स है, टमाटर है, आलू है। तीन सबको पन्नी से निकाल निकाल के मुझे अलग अलग टोकरियों में और फ्रिज में कुछ रखना है। तो वही साफ सफाई सब चल रही है। तो देखते हैं ये सब कब खत्म होता है, थकान तो लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज हो रही है मेरे किचन की सफाई, और मैं कर रही हूँ पहले जो बर्तन काफ़ी दिन से रखे हुए हैं, यूज नहीं हो रहा है, तो वो रखे रखे भी थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो मैं सोची कि पहले इन सबको अच्छे से गर्म पानी में मैंने निरमा और थोड़ा सा विनेगर मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने सोडा भी डाल दिया है। तो भगोने में है मेरा निरमा और गर्म पानी सोडा सब डाल के मैंने मिक्स कर लिया है, और उसी में मैं डाल डाल के और सबको अच्छे से धुल रही हूँ। तो इससे ना गुनगुने पानी से साफ़ भी हो जाता है, और थोड़ा जो चिकनाहट होती है वो भी सब साफ़ हो जाता है। तो जो दाग धब्बे होंगे वो विनेगर काट देगा। तो यही सब काम आज हो रहा है, और पहले फिर इसको हम कर लेंगे, तब आगे फिर दिखाते हैं आपको कि हम मार्केट से क्या लाए थे उस दिन जब गए थे अमीनाबाद, तो फिर क्या लाए थे। तो वैसे देखा तो था आप लोगों ने कि हम क्या ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं एक दो चीज़ की जो नहीं देखा था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। सो फिर प्लीज़ फुल वॉच करना और अपना ये साथ और देखिए, सपोर्ट मैंने बनाए रखना। सारा डब्बा डिब्बी जो छोटे छोटे थे, कप ग्लास सब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करके धुल दिया है। हाँ, हो रहा है। और ये तीनों भी साफ कर दिया है रगड़ के। और यहाँ पे बर्तन भी मैंने इन सबको अच्छे से धुल दिया है। और बस नीचे जो सामान सब इधर उधर पड़े हुए ना, इनको सेट करना है। इन्हीं को बस सेट कर दूँ, उसके बाद किचन का काम खत्म हो जाएगा। तो सोच रही हूँ पहले ये सब उठा के धीरे धीरे इसमें रख दूँ, तब आगे काम करूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या ली थी जब मार्केट गई थी। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट गए थे हम। तो ये दो पैजामे लिए हैं, गर्म पैजामे रुद्रांश के लिए, और एक ये टी शर्ट है कुहू के लिए, फुलवा चुका क्योंकि सर्दी आ रही है। ये है, ये देखिए फुलवा चुका ये टी शर्ट है, और एक ये प्लाजो पैंट है। ये है पैंट उसका, और ये देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में, ये कुर्ती मैंने अपने लिए ली है, अच्छी थी। और फ्रेंड, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि कॉल आ गया था, तो इसीलिए मैंने म्यूट कर दिया। और यहाँ पे ना ये वाला पर्स मैंने लिया था, तो ये मुझे 200 में मिला है ये पर्स, और 200 की मुझे कुर्ती भी मिली है, और ये मैंने 200 का ये
लिया था आपने लिए सैंडल, तो ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए मैंने इसको ले लिया, क्योंकि इसी क्वालिटी का और सेम ऐसे ही कुछ अलग थोड़ा सा डिजाइन अलग था, मैंने एक बार लिया था वहीं से ही, तो मेरा काफ़ी साल चला था, 2-3 साल मैंने लगातार पहना था फिर भी वो नहीं टूटा। तो फिर अब की बार गए तो फिर हम सोचे कि लाओ ले लेते हैं, तो साल भर में 1-2 बार 2-3 बार हो जाता है वहाँ आना जाना कुछ ना कुछ काम से, लेकिन ख़रीदारी ज़्यादा नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद ये मैंने लिया था 1/2 किलो खजूर, तो खजूर बहुत फ़ायदा करता है अगर सुबह खाली पेट खाओ तो चाय से पहले। और ये थी इमली की गोली, खट्टी मीठी इमली की गोली, तो 80 रुपए का खजूर था 1/2 किलो और 20 रुपए की इमली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ लिया था नमकीन वगैरह बच्चों के लिए, ये है भाकर बड़ी और नमकीन था, और उसके बाद ये बेसन की मिठाई थी, तो यही सब मैंने लिया था। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये जो है ना फूल वाली जो लरी है तोरण है, इसमें का मैं पहले भी बहुत साल पहले भी लाई थी ख़रीद के, तो अच्छा था वो भी, है अभी भी वो घर में, लेकिन थोड़ा पुराना हो गया था तो मैंने सोचा लाओ इस बार और ले लेते हैं। तो ये पहले 100 रुपये का 3 दे रहा था, तो मैंने बोला नहीं 4 दो ले लेंगे। तो बस यही था आज की मेरी शॉपिंग। और आपको दिखाऊँ, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था कवर अपने फ़ोन के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन का जो कवर आया था ना फ़ोन के साथ वो ना कांच का था, तो वो लग रहा था इसे टूट जाएगा और थोड़ा सिटक भी गया था, तो मैंने ये वाला कवर मंगाया क्योंकि ये वाले ना बड़ा सेफ़ रहता है, फ़ोन अगर हाथ से गिर भी जाए तो टूटता नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा तो यही फिर मैंने मंगाया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना, और आज ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। और मैंने ना 2 बार मंगाया था, 2 बार आया कवर, 2 बार वापस किया क्योंकि बार बार ना छोटा पड़ जा रहा था, तो इस बार अब सही आया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।